नारायण गांव के कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में खड़ा हूँ। यहाँ के युवा प्रत्याशी है रॉकी तिशुल जी, यहाँ के युवा प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं। राम कुमार जी यहाँ नारायणा गांव, राम कुमार तंवर जी, उनसे बात करते हैं हम नारायणा में। राम कुमार तंवर जी कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं? हाँ, राम कुमार तंवर जी यहाँ के रॉकी तिशुल जी हैं जो युवा प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? युवा प्रत्याशी हैं, 26 साल की उम्र है। दिल्ली के जितने चुनाव कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हमारे युवा साथी हैं, 26 साल जिनकी उम्र है। कांग्रेस ने एक ऐसे नौजवान साथी को टिकट दिया है जिससे पूरा इलाके का, पूरी विधानसभा के अंदर पूरा युवा नौजवान साथी जितना भी 30 साल से नीचे का सब जुड़ गया है। और जितने कांग्रेस के बुजुर्ग जो मेरे जैसे सीनियर कांग्रेस के नेता हैं वो सब समर्थन में लगे हैं भाई रॉकी तिशुल के लिए। तन मन धन सब कुछ न्योछावर करके कांग्रेस को जिताने में लगे हैं। पूरा प्रयास रहेगा कांग्रेस राजेंद्र नगर विधानसभा से भारी बहुमत से जीते। हमारे यहाँ पर हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज चौहान जी भी हैं, लवलीन पवार जी भी हैं, ज्ञानेंद्र जी भी हैं, सुरेश कुमार जी भी हैं, पूरी टीम हमारी यहाँ पर है। ईश्वर सिंह जी भी हैं और राम कुमार जी भी हैं, राम कुमार सूर्यवंशी जी भी हैं, राम कुमार तंवर जी भी हैं। हमारी पूरी टीम, हम अपना काम कर रहे हैं पोलिंग एजेंटों का और भारी बहुमत से जिताएंगे। आज सवेरे भी गांव के लोगों ने डोर टू डोर किया, सवेरे 9:30 से 10 बजे तक पूरा इलाका रॉकी में हो गया है, कांग्रेस में हो गया है। भारी बहुमत से हमारा जिताने का प्रयास रहेगा। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस के अंदर कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से भाई रॉकी तिशुल को जिताने में लगा हुआ है। पार्टी के उम्मीदवार थे पहले विजय गर्ग जी, उनको काट करके राघव चड्ढा जी को टिकट दी गई है जो कि हमारे स्थानीय निवासी नहीं है, जिसका हमें भारी फायदा मिलने जा रहा है। साथ ही आरपी सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं में आपस में जूतम पेजार है, उसका भारी विरोध है, उसके विरोध का फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए हम आशा करते हैं कि जितने भी रूठे हुए मतदाता हैं वो सब कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं, वापस कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी जी के आदेश पर युवा जो नौजवान साथी को जोड़ा गया है भाई रॉकी तिशुल के रूप में, रॉकी तिशुल जी भारी मोहब्बत से जीतेंगे। युवा हैं, उनके अंदर जोश है, कार्यकर्ताओं से तन मन के साथ वो मिलकर के चल रहे हैं, अभी भी वो अपनी पदयात्राओं में और जनसभाओं में चल रहे हैं। आपके साथ में खड़े हैं भाई साहब, इनका क्या नाम है? मनोज चौहान, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आप क्या कहेंगे रॉकी तिशुल जी के बारे में? बिल्कुल यही कहूंगा कि यंग ब्लड और यंग ब्लड के साथ जो ताकत है हमारे यहाँ पे, युवा मतदाताओं को जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में? भाई साहब क्या नाम है आपका? ये भाई साहब का कहना है कि मैं पूरी बहुमत से जिता के लाएंगे। कुछ लोग यहाँ और खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे, उनकी क्या राय है? भाई साहब आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी क्या कहना है कांग्रेस के बारे में, युवा प्रत्याशी है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? प्रत्याशी हमारे बहुत अच्छे हैं, जीत भी आ चुके हैं और वैसे काम करने की उनके अंदर लगन है, डोर टू डोर कर रहे हैं, हमारे साथ किया है तो सबको हम बता रहे हैं, उनका हम काम कराइए। ठीक है, इनका कहना ये है कि भाई साहब हम युवा प्रत्याशी हैं। ओम प्रकाश तंवर जी, ओम प्रकाश तंवर जी, आज हम नारायणा गांव में घूम रहे थे, घूमते हुए देखा कांग्रेस की प्रति क्या उत्साह है लोगों की। कांग्रेस 70 साल यहाँ पे थी, शीला जी थी की सरकार थी, कैसी दिल्ली थी और इस टाइम कैसी दिल्ली है, कुछ बताएंगे सर आप? शीला दीक्षित के 15 साल बहुत ही सराहनीय हैं, उन्होंने दिल्ली का पूरी नक्शा बदल के रख दिया। आज शीला जी नहीं है, आज शीला जी के नाम पे हम कार्य भी कर रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं उनके काम पे, और कांग्रेस अपने पूरे उत्साह के साथ पार्टी का झंडा बुलंद करके इलेक्शन में है
और हम समझते हैं अब की बार हमारी जो है सीटें बढ़ेंगी और कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में होगी। तो यहां से युवा प्रत्याशी को टिकट दिया है कांग्रेस ने, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? युवा प्रत्याशी है लेकिन वो NSUI से है, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा है, इसलिए अब की बार युवा चेहरा उन्होंने उतारा है और ये बहुत अच्छा है। कांग्रेस की सोच, एक नई सोच के साथ प्रत्याशी उतारा गया है, बहुत बढ़िया प्रत्याशी है और नया जोश है लड़के में। तो मार्केट में क्या लग रहा है सर, जनता में क्या लग रहा है कि आपके कांग्रेस के लिए क्या लोग कह रहे हैं, क्या वोट देने के इच्छुक हैं कि आपकी कांग्रेस दोबारा आएगी? नहीं, लोगों से काफी व्यू चलते हैं तो ऐसा नहीं है, सब बोलते हैं कि कांग्रेस ही अच्छी थी, ये तो झूठा आदमी है और ये BJP ऐसे नहीं है, BJP भी झूठ बोलती है, आम आदमी पार्टी भी झूठ बोलता है, केजरीवाल हमेशा झूठ बोलता है। तो कहां गए 500 स्कूल, कहां गए 20 कॉलेज? तो केजरीवाल जी ने अभी बिजली फ्री किया सर, वो बिजली फ्री हमारे पे लागू ही नहीं होती, वो लागू होती है जिसका झुग्गी है, कमरा है एक, उस पे लागू होती है, आम आदमी पे कहां लागू होती है, हर आदमी को कहां बेनिफिट मिल रहा है। तो सर आपका बिजली आया था क्या, बिल आया था क्या? हाँ बिल आया हुआ है। कितने का आया सर? नहीं बिल आया है, अब सर्दी है इसमें कहां बिल आएगा, AC नहीं चलता कि वो पंखे नहीं चलते, कहां से बिल आएगा? बिल अब मेरा 5,000, 4,000, 3,000 के बिल आए हुए हैं। पानी भी फ्री किया उन्होंने सर, इसके बारे में? पानी के अभी बिल भरे हैं मैंने 40,000 के, तो पानी फ्री कहां दे रहा है वो? केजरीवाल सरकार तो कह रही है मैं पानी फ्री कर दिया। हेलो, गंदा पानी, मैं बिल दिखाता हूं आपको, अभी मैंने अभी पे किए हैं इसी महीने, मतलब ये पानी इस जनवरी में। तो आपकी कहने का मतलब है कि हमारे तरफ से कांग्रेस सरकार अच्छी है, कांग्रेस सही थी? कांग्रेस जैसी तो पार्टी कोई नहीं है, कोई काम ये